Hi Gemini and welcome to Floral Town Reader. How you guys are doing, Gemini? Gemini, I hope आप लोग अक्टूबर मंथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है. लेट्स सी टैरो क्या बताते हैं कि आपका अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा. हाउ आर यू गाइज डूइंग जेमिनी. जेमिनी आई एम ऑफरिंग पर्सनल रीडिंग्स एज वेल. आप लोग मुझे टेलीग्राम कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. एंड बिफोर स्टार्टिंग मुझे सबको शुक्रिया अदा करना है, सारे जेमिनीज को जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है. इट रियली मीन्स अ लॉट. जेमिनी, लेट्स सी आपका अक्टूबर में लव लाइफ कैसे रहेगी. इफ़ यू लाइक समवन, आई एम सो सॉरी. अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हो या उसके साथ रिलेशनशिप में हो, आप उस इंसान को माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट करो. ओके जेमिनी, लेट्स सी कि आपका अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा. जेमिनी, हाउ यू गाइज आर डूइंग, कमेंट करिए, बताइए कैसे हो आप लोग सब. I've been a little sick, but now I'm fine and I'm making videos. So let's see, Gemini, आपका अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है. Angels, please guide me. Uncut the deck. Let's put the cards. Okay, first your feeling. Your partner's feeling, okay. Relationship, advice, and likely outcome, okay. There are three major arcanas, Gemini, okay. Gemini, मैं सबसे पहले आप लोग की ही रीडिंग से स्टार्ट शुरुआत करती हूँ हमेशा. Because air sign, you guys. And there is no doubt in that. And I was feeling a energy of the devil, and it has popped up. Okay. Gemini, अभी आप लोग का अक्टूबर मंथ बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है. जनरल रीडिंग, पहले हम जनरल रीडिंग की बात करते हैं, ठीक है. आपका अक्टूबर मंथ बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है. एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. आप लोगों का अगर पहले कभी फोकस मिस रहा है अपने काम को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, आपको अक्टूबर मंथ में वो फोकस बढ़ जाएगा. आप लोगों को ये है कि जो चीज मैं कर रहा हूं, जो चीज मैं कर रही हूं, वो चीज अच्छी होनी चाहिए, टू द कोर परफेक्ट होना चाहिए. तो आपका जो वो वर्क करने की जो क्षमता है, वर्क करने का जो लगन है, वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है. इट्स एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड. एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड में आप ये देख रहे हैं, लड़की इज लाइक पेंटिंग एंड ड्राइंग ऑल दीज कॉइन्स. तो जेमिनी, ऑल आई विल से, आई एम सो सॉरी, कि आप अपने काम पे फोकस रखो. प्लस इन द रिलेशनशिप एस्पेक्ट इज व्हाट आई एम फीलिंग, दैट आप लोग अपना बेस्ट दे रहे हो. यू आर गिविंग द बेस्ट, यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर पार्टनर, यू आर ट्राइंग टू टेक थिंग्स फर्दर, यू वॉन्ट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल. और मुझे लग रहा है, और मुझे ये फील हो रहा है जेमिनी, कि आपकी फीलिंग्स जो है, जो आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत प्योर है और बहुत वैसा है. कि ये नहीं कि बिना मन के आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, बिना मन के आप उससे उन्हें प्यार दिखा रहे हो, नहीं. आपका जो फीलिंग्स है, आप जो कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, वो बहुत अच्छी है और वो बहुत, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है. So keep up with that, and plus October month will be very fulfilling for you, Gemini, with the sun and the wheel of fortune. बहुत अच्छा, like luckometer जो आपका है ना, Gemini, October month में बहुत अच्छा रहने वाला है. If any problems that you are facing of unemployment or bad health or family issues, सब कुछ अच्छे हो जाएंगे, ठीक है. Let's talk about the feelings of your partner, the devil. I mean, यार Gemini, मैं क्या बोलूं, आपका पार्टनर शायद आपको वैसे प्यार वाली नजरों से नहीं, गलत नजरों से आपको देख रहा है. या दे यू वांट समथिंग एल्स एंड दे वांट समथिंग एल्स. आप लोगों का जो वो है ना, क्या आप लोग एक दूसरे से चाहते, वो चीज मैच नहीं हो पा रही. देर इज अ मेंटल ब्लॉकेज, और मुझे मेंटल ब्लॉकेज आपके पार्टनर का लग रहा है. देर इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग हिम और हर, और एंड बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन इट्स क्रिएटिंग टू ऑफ सोल्स. इट इज क्रिएटिंग डिफरेंसेज, इट इज क्रिएटिंग, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपके माइंड में भी, कि आपको डाउट हो रहा है कि क्या ये मेरा पार्टनर मेरे साथ रहेगा कि नहीं, क्या ये मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है कि नहीं. सो आई हैव नो इश्यूज वाई द टू ऑफ सोर्ड्स हैव कम अप, एंड आई विल क्लैरिफाई दिस कार्ड, जस्ट होल्ड ऑन.
Angels, please clarify me the two of swords, please. There are some situations going on, Gemini. For some of the Geminis, I am feeling कि बहुत ही खराब सिचुएशन चल रही है. आपका पार्टनर काफी कुछ फेस कर रहा है. देयर इज सम मेंटल ब्लॉकेज, समथिंग मेंटली मेंटल रिलेटेड, आई डोंट नो व्हाई, समथिंग स्ट्रेस दैट कि वो लोग सो नहीं पा रहे रात में या कुछ तो चल रहा है. एंड आई एम अबाउट टू फाइंड इट आउट. टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई, इट्स डेफिनेटली फैमिली इश्यूज. ओके Gemini, अगर आपका पार्टनर कुछ परेशान है, कुछ मेंटली, इफ ही इज नॉट, इफ ही और शी इज नॉट पीसफुल, तो देयर सम फैमिली इश्यूज दैट आर गोइंग ऑन इन हिज और हर लाइफ. ऑल आई विल से इज दीज सिचुएशंस विल जल्दी ही वो सिचुएशन सारी ठीक हो जाएंगी Gemini, सो डोंट वरी अबाउट दैट. आप अपना बेस्ट दो, आप अपना करियर में बेस्ट दो, पढ़ाई में बेस्ट दो, फैमिली में बेस्ट दो और रिलेशनशिप में बेस्ट दो, क्योंकि फ्यूचर, नियर फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है. आइदर यू गाइज आर लाइक आर मेंट टू बी टुगेदर, या आप लोग की शादी होने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है. आप लोग लाइक बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो साथ में. इफ यू गाइज विल बी टुगेदर इन फ्यूचर, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी रहने वाली है आप लोगों की लाइफ में. एंड सन ये भी बताता है कि चीजें, जब तक चीजें बुरी नहीं होंगी तब तक आपको अच्छे चीजों का रियलाइजेशन, खुशी कैसे मिलेगी. सो विथ दैट आई विल से कि दिस मंथ Gemini, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ. यू आर गिविंग योर बेस्ट एंड आई एम, और मुझे ये दिख रहा है कि पर्सनल स्पेस में Gemini, आपका करियर, आपका फैमिली बहुत अच्छी जाने वाली है. बट इन रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स देर आर सम प्रॉब्लम्स, देर आर सम फैमिली इश्यूज इन हिज और हर लाइफ, बट वो चीज़ें काफ़ी सॉर्ट आउट हो सकती हैं. देर इज अ डेविल एनर्जी. तो आई विल से कि कुछ लोगों के बीच मुझे टॉक्सिसिटी का वो चीज़ आ रही है कि यू वॉन्ट समथिंग एल्स, यू वॉन्ट सम लव एंड यू वॉन्ट रिलेशनशिप, यू वॉन्ट टू सेटल डाउन, बट दे वॉन्ट समथिंग एल्स, दे वॉन्ट समथिंग कैजुअल, like something like time pass वाला relationship या वैसा कुछ. So I'll say कि अपने partner को time दो, चीजें analyze करो Geminis, and if things are working out then all good. अगर things आपके, आप लोगों के wavelength में match नहीं होती then you shouldn't be together. That is it. मैं वो tarot reader नहीं हूँ कि आप लोगों को कि आप लोगों को बोलूंगी प्लीज साथ रहो या मैनिफेस्ट करो एक्स को या ये करो वो करो. आई वोंट से दैट. जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं मैं वो बोलूंगी. एंड टू ऑफ सोर्ड्स इज दे आर होल्डिंग ऑन टू देमसेल्स अ लॉट. दे आर लाइक, वो लोग अपनी मन की बात नहीं कर पा रहे. एंड द रीजन बीइंग इज दैट दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ फैमिली इश्यूज. लाइक बहुत लोग का मुझे फैमिली इश्यूज लग रहा है. देर आर सम लाइक वेल्थ इश्यूज एज वेल, फैमिली वेल्थ इश्यूज, बट देर इज अ मेंटल ब्लॉकेज. There is an energy that they want something casual, whether you want and you want something serious. Yeah, the case can be vice versa. So, आप लोग अपनी चीजें analyze करो, देखो situation को. या अगर देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा then these cards are not for you. But कुछ लोगों की life में ये चीजें हैं and there are like, मुझे आपका partner ऐसा feel हो रहा है कि they are into some zone. I don't know what zone they are into. They are into some box. एक अपने आप अपना mentality, अपनी thinking एक box में बंद कर ली है आपको लेके. So they are not happy with themselves as well. तो उनसे बात करो, उनको खुश रखो, तो चीज़ें better हो सकती है. Otherwise अगर वो खुश नहीं है, वो कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं, तो please आप लोग move on करो. Okay Gemini, this was my reading. Let's see Oracle से क्या message आता है. Oracle से क्या message आता है आप लोगों के लिए. We will see. Okay. Faith, humanity, and benevolence. Stay calm. Trust the good in yourself and others. See the light in the world. Yep. Perfect. Calmness की जरूरत है Gemini. आपको patience दिखाने की बहुत जरूरत है. Okay. चीजें बहुत level पे analyze करो. जो आपका intuition बोल रहा है वो follow करो and everything will be good Gemini. This was my reading Gemini for the October month. अगर आपको मेरी reading अच्छी लगी तो please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.